इधर फ्रांस में पुलिस की गोली लगने के बाद हुई युवक की मौत के बाद बवाल लगातार मचा हुआ है। कई शहर हिंसा की चपेट में हैं। फ्रांस में अभी तक करीब 1500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले कई दिनों से जारी हिंसा की जद में फ्रांस के कई शहर जल रहे हैं। मोंटपेलियर शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं मार्सिले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। दंगों की आग में पूरा शहर जल रहा है। पुलिस को नियंत्रण के लिए फायरिंग भी करनी पड़ रही है। मार्सिले में ही उपद्रवी ने कई दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया और एक बुटीक के सामान को चुराते नजर आए। उधर पेरिस में दंगाइयों ने ईंधन से भरे ट्रक को भी चुरा लिया। पेरिस के चैम्स एलिसीज के पास भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। फ्रांस में हालात को कंट्रोल करने के लिए 45,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पेरिस के अलावा भी कई इलाकों में हिंसा बढ़ने पर सरकार ने रात में बस और ट्राम सेवा को बंद कर दिया है। सरकारी सेवा के लिए बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। फ्रांस में हिंसा के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपना जर्मनी दौरा रद्द कर दिया है। और वहीं रूस ने भीषण अटैक करके यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि वो अगले 10 दिन कीव के लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाले। रूस यूक्रेन जंग में MI-35 हेलीकॉप्टर को कॉम्बैट ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंप कर रूस ने डोनेस्क के कई मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यूक्रेनी पोजीशन पर हुए लगातार हमलों में कई आर्म्ड व्हीकल खाक किए जाने का दावा हुआ है। कीव और आसपास के इलाकों में धमाके भी सुने गए हैं। एयर डिफेंस ड्रोन हमलों के खिलाफ काम कर रहा है। वही डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 5 हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। विदेशी हथियारों से लैस यूक्रेनी ट्रूप्स पर रूसी सेना ने होविट्ज़र टैंक और MLRS से बारूदी बौछार की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के सेनाओं को अगले 10 दिन में युद्ध क्षेत्र परिणाम दिखाना होगा। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले में युद्ध के मैदान पर कुछ तेजी लाना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे नए नुकसान होंगे। ज़ेलेंस्की ने कीव के वेस्ट समर्थकों से यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखने की मांग को दोहराया है।